adaptation of wind pollinated plants and insect pollinated plants. के जो विंड और इंसेक्ट जो प्लांट जो पोलिनेट होते हैं जिनके इनके थ्रू, तो इनमें कौन कौन सी एडाप्टेशन है. तो पहले इसको शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि एडाप्टेशन कौन सी है. तो एडाप्टेशन में हमें सबसे पहले पता चलता है कि जो प्लांट्स है पोलिनेट, हमें पहले पता है पोलिनेशन किसको कहा जाता है. तो पोलिन ग्रोथ जो है मूव करते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ. अब वो विंड के थ्रू भी कर सकते हैं, पानी के थ्रू भी कर सकते हैं, एनिमल्स और इंसेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है, प्लांट्स जो हमारे विंड और पानी के थ्रू करते हैं उनमें कुछ एडाप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इनके एडाप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पहले इनकी देख लेते हैं. तो ये फ्लावर्स क्या होते हैं, ये नॉन अट्रैक्टिव होते हैं. इनका कोई मतलब कि इतनी कोई तेज कलर नहीं होता, बहुत ही छोटी साइज के इनके फ्लावर होते हैं और इनमें कोई भी खुशबू नहीं होती, ऑडर मीन्स की खुशबू. नंबर दूसरा कि ये पोलिन ग्रेन जो है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं. ठीक है, और इनके जो पोलिन ग्रेन होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं वेट में, और कुछ के पास विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं पैराशूट. ठीक है, और इनके पास जो है प्रोड्यूस होती है बहुत ही कम मिकदार में, जो मतलब ना बिल्कुल भी नहीं बनाते. नेक्टर जो रस होता है इनका वो बिल्कुल नहीं बनाते. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स की, तो इनके अपोजिट में होंगे. क्या होगा कि ये इनके फ्लावर की साइज लार्ज होगी, इनके पास जो है ब्राइट कलर्ड होते हैं पेटल्स और सेपल्स, और इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं बहुत ही स्टिकी होते हैं, इनके पास हुक-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल खुशबू. ठीक है, इनकी वजह से प्लांट्स जो है इंसेक्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और इनके पास बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में नेक्टर बनता है. जहां पर नेक्टर ज्यादा बनेगा तो फिर क्या होगा, प्लांट्स उसकी तरफ जो है ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो